सो आज हम लोग आए हैं नॉटिंगम रिवर साइड फेस्टिवल में, और ये फेस्टिवल साल में एक बार होता है। नॉटिंगम के विक्टोरिया एम्बैंकमेंट, जो कि ट्रेंट नदी के किनारे है, वहाँ पर हर साल ये मेला लगाया जाता है। पिछले 3 साल से कोरोना की वजह से ये मेला यहाँ पे नहीं लग पा रहा है। फ़िलहाल इस बार हमारा ये पहला एक्सपीरियंस है, और यहाँ आपको हर जगह पार्टी वाला माहौल मिलता है। और 2 स्टेज बनाए गए हैं जहाँ पे बैंड परफॉर्मेंस होते हैं, उसी के साथ बच्चों के लिए बहुत सारे झूले और बहुत सारे गेम्स हैं। इसके साथ आपको बार और भी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो चलिए दिखाते हैं आपको नॉटिंगम रिवर साइड फेस्टिवल। एक बात और है इस इवेंट के बारे में कि ये नॉटिंगम का सबसे बड़ा फ्री म्यूज़िक इवेंट है। हमारे सामने हो रहा है लाइव बैंड परफॉर्मेंस, जिसका शेड्यूल फेस्टिवल गाइड में पहले से ही शेयर कर दिया जाता है, और मोस्टली इसमें लोकल बैंड परफॉर्म करते हैं। तो म्यूज़िक के बाद आपको ले चलते हैं किसी भी मेले के मेन अट्रैक्शन झूलों पे। ये वाला हमारे इंडिया में लगने वाले ब्रेक डांस की तरह लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ घूम रहा है, तो इस पे हम लोग बैठेंगे फिर देखेंगे कैसा लगता है। यहाँ का माहौल पूरा एकदम म्यूज़िक से भरा हुआ है। हमारे यहाँ भी मेले लगते हैं, बट उसमें शोर ही शोर होता है, म्यूज़िक थोड़ा कम ही होता है। चलिए आपको आगे ले चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या है यहाँ। सामने कुछ सिमुलेटर सा लग रहा है, तो एक बार उसके अंदर चल के देखते हैं कैसा है यहाँ का सिमुलेटर। हमारे पीछे है रोलर कोस्टर, और मौका लगा तो हम उधर भी जाएंगे, और उसी के बगल में है स्लिंग शॉट, बट ये मेरे बस की बात नहीं है। सामने एक बड़ा सा झूला है, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, लेकिन बहुत ख़तरनाक लग रहा है। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं आनंद सिमुलेशन का। सो इन्होंने इसको फील तो दी है जेट प्लेन वाली, लेकिन देखते हैं क्या निकलता है। सामने का स्क्रीन बहुत छोटा है, अगर ये स्क्रीन 3D होता तो ज़्यादा मज़ा आता। सो हमारे सामने है कैटापुल्ट, हम इसको झूलेंगे नहीं लेकिन आपको दिखा देते हैं।
ये कैसे काम करता है? ओह माय गॉड, कितना ऊपर जाता है और इतनी तेज स्पीड है, मेरे बस का नहीं है भाई ये। Going in our second ride, that is roller coaster. Let's see how it goes. First was virtual roller coaster. Now this is real one. Let's see how it goes. तो बात करें हाई रोलर झूले की, तो उस पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस ख़राब रहा हम लोगों का, क्योंकि काफ़ी देर तक घूमते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पीड में, तो थोड़ा सा मन सा ख़राब हो जाता है, लेकिन हाँ मज़ा बहुत आएगा। बर्फ़ में जगह ढूंढनी पड़ती है, बर्फ़ में मेज है, भूल भुलैया
सो इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको अगला वीडियो आने पे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं फिर, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।